नमस्कार, प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ उपचुनाव में बीजेपी की कमान गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह संभाल रहे हैं। अल सुबह से देर रात तक चलने वाले प्रचार अभियान के दौरान भूपेंद्र सिंह ग्रामीणों को सूबे की शिवराज सरकार और देश की मोदी सरकार के विकास कार्यों को समझा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह इस दौरान युवाओं से मिलकर उन्हें प्रोत्साहित करने का भी मौका नहीं छोड़ते। इंडिया फर्स्ट ने उमरिया जिले के बांधवगढ़ पहुंचकर बीजेपी की चुनावी तैयारियों का जायजा लिया। बांधवगढ़ विधानसभा उपचुनाव के चुनाव प्रचार यहां पर चल रहा है। आप देख सकते हैं गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह यहां पर लगातार लोगों से मुखातिब हो रहे हैं। एक छोटे से गांव में अब चुनाव प्रचार पहुंच चुका है और यहां पर अब मंत्री भूपेंद्र सिंह लोगों को संबोधित करेंगे। हम आपको दिखा देंगे छत की मुंडेर पे भी खड़े होकर यहां पर महिलाएं जो है वो लगातार यहां पर इस चुनाव प्रक्रिया को देख रही हैं, चुनाव प्रचार को देख रहे हैं। काफी तादाद में यहां पर लोग हैं और हम बता दें कि सुबह से मंत्री भूपेंद्र सिंह एक के बाद एक कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और इस समय रात्रि के करीब 9:15 बज चुके हैं और अभी भी ये चुनाव प्रचार का जो दौर है वो लगातार जारी है। ये पूरा विधानसभा क्षेत्र शुरू से भारतीय जनता पार्टी का समर्थक रहा है। इस विधानसभा क्षेत्र से लगातार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत रही है और जब देश में कम स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी थी उस समय भी बांधवगढ़ विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। अब तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी है और अभी तो देश में भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई पार्टी कहीं पर है ही नहीं। अभी पिछले दिनों जो चुनाव हुए उन चुनाव में हमारे देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में वहां सब पार्टियों का सफाया वहां की जनता ने कर दिया। और ये सफाया इसलिए किया कि देश की जनता आज इस बात को देख रही है, समझ रही कि भारत को आज जैसा प्रधानमंत्री मिला है, जैसा प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बाद अगर देश को कोई प्रधानमंत्री मिला है तो वो माननीय नरेंद्र मोदी जी। और इसलिए पूरा देश आज भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। देश में इसके पहले भी सरकारें बनी पर जो भी सरकारें बनी वो सरकारें सिर्फ सरकारें चलती है पर जनता के कल्याण के निर्णय, जनता के हित के निर्णय, जो बड़े बड़े निर्णय होना थे जिनसे ये देश बनता है, जिनसे गांव गरीब किसान का विकास होता है, वो निर्णय करने का काम अगर किसी ने किया तो वो हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी। रात के करीब 9:30 बज चुके हैं। तमाम सभाओं से अब निवृत्त होकर मंत्री भूपेंद्र सिंह एक बार फिर अपने कार्यालय पहुंच चुके हैं, लेकिन यहां पर भी आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं का जमावड़ा लगातार बना हुआ है। एक के बाद एक कार्यकर्ता अपनी अपनी रिपोर्ट लेकर यहां पर मौजूद हैं। कल के कार्यक्रम को लेकर भी यहां पर चर्चा और विमर्श का दौर जारी हो चुका है। मंत्री जी, अब अगला दौर किस चीज का शुरू होने वाला है? देखिए, अभी तक जो गाँव के कार्यक्रम थे वो चल रहे थे, अब सभी जो कार्यकर्ता है वो आके मिलेंगे और जो दिन भर का फीडबैक है, कल की कार्ययोजना है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे और बाकी और जो विषय होंगे बातचीत करेंगे। रणनीति मतलब तैयार की जाएगी, लेकिन इस पूरे सफर के दौरान हमने देखा कि कहीं पे भी आपका नाश्ता नहीं हुआ, कहीं पे भी आपने कुछ विश्राम नहीं लिया, तो ये लगातार ये शेड्यूल जारी रहता है? देखिए, चुनाव में इन सब चीज़ों का ध्यान ही नहीं रहता। चुनाव में तो ये रहता है कि अधिकतम जनता के बीच में जाएं, जनता के बीच में अधिकतम अपनी बात कह सकें, उनकी बात सुन सकें, और इसलिए जब काम में लगे रहते तो इन सब चीज़ों का
ध्यान भी नहीं रहता और समय भी बचता है। अगर कहीं भी बैठते हैं, चाय नाश्ता करते हैं, तो फिर समय लगता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह से आपने भी भाषण दिया, काफी तादाद में आपकी जनता आई थी, आपने उनको काफी सरल शब्दों में समझाया किस तरह से नोटबंदी के फायदे हुए, किस तरह से उज्ज्वला योजना है उसको बनाया गया है, क्या लगता है आपको कि ये तमाम बातें जो ग्रामीणों तक पहुंच रही है उसका किस तरह का असर हो सकता है? तो देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे गाँव के नागरिक हैं उनकी जानकारी में ये सब बातें होना चाहिए कि जो देश की सरकार निर्णय कर रही है वो हमारे कल्याण के लिए निर्णय कर रही है, जो राज्य की सरकार निर्णय कर रही है वो हमारे विकास के लिए निर्णय कर रही है, और इसलिए नीतिगत निर्णय, विकास के निर्णय, ये सारे काम जो है ये जनता तक पहुँचा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मंत्री भूपेंद्र सिंह जी। तो लगातार आप देख सकते हैं कि कार्यकर्ता काफी तादाद में, यूथ हम देख रहे हैं यहाँ पे, युवा जो देख रहे हैं वो काफी तादाद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। एक बार फिर यहाँ पर रात के 9:30 बज चुके हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि सभी के पास अपना अपना फीडबैक मौजूद है। मंत्री जी एक बार फिर उन लोगों से मिलेंगे, एक बार फिर फीडबैक लेंगे और अगले दिन की रणनीति यहाँ पर तैयार की जाएगी। कैमरामैन अनवर खान के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज, उमरिया।